फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ अपने छोटे से ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इयररिंग्स कलेक्शन। यार मेरे पास बहुत सारे इयररिंग्स था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यार देखना हवा से मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अभी हम शूट करेंगे। आज मैं दिखाती हूँ आपको अपना इयररिंग्स ब्लॉग। अब इयररिंग्स दिखाना स्टार्ट करती हूँ मैं आपको। सारी मेरे पास, ओ ये देखो, ये तो थोड़े से हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, अभी बहुत सारे हैं। यहाँ पे चार डब्बे भर के रखे हुए हैं मेरे पास, पर मैं वो सारे आपको नहीं दिखा सकती, पर कुछ कुछ दिखा देती हूँ। जैसे कि ये है मेरा पहला कलेक्शन, ये है सिल्वर कलर का, और मुझे सिल्वर ज्वेलरी ना बहुत पसंद है, खास करके ब्लैक ड्रेस के साथ, ब्लैक सूट के साथ मेरे को ये पहनना बहुत पसंद है। इससे भी ज़्यादा भी है, और भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक ये है येलो कलर की, ये मैं ज़्यादातर सूट के साथ ही पहनती हूँ, क्योंकि ये साड़ी के साथ अच्छी नहीं लगती। देखो अच्छा है ना, ये मैंने पर एक बार भी पहना नहीं है। अभी मैं लेके गई थी कहीं पहनने के लिए, पर मैंने नहीं पहना, मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक है ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बहुत बड़ा है, मेरे कानों में ना दर्द हो जाता है, क्योंकि ना मेरे कान थोड़े सेंसिटिव हैं, मैं उनको अगर पहनूँ ना कुछ ज़्यादा भारी चीज़ तो वो पक जाते हैं, पता नहीं क्यों। और एक ये है, ये भी अच्छा लगता है मुझे, खास करके किसी ड्रेस व्रेस के साथ पहनने में बहुत अच्छा लगता है। और भी दिखा रही हूँ बहुत सारे हैं। और मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट वाले, सबसे ज़्यादा ये वाले इयररिंग्स, इनके ऊपर एक्चुअली गणपति बने हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इनके ऊपर गणपति बने हुए हैं, और ये गणपति वाले इयररिंग्स मुझे इतने पसंद आते हैं, मैंने ये ब्लैक ड्रेस के साथ पहने हैं अपनी एनिवर्सरी पे। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे मेरी एनिवर्सरी पे, है ना सुंदर, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे कोई पहनने के लिए भी बोले ना, तो मैं सबसे ज़्यादा यही वाले पहनती हूँ, पता नहीं क्यों पसंद है। और एक है बड़ी बड़ी झुमकियाँ, ये झुमकी भी मुझे बहुत पसंद है। ये एक्चुअली मैं ये ऐसे नहीं पहनती, बट कभी लहंगा या साड़ी या कुछ ऐसा पहनती हूँ तो ही पहनती हूँ, वैसे डेली वेस में नहीं, क्योंकि यार बहुत बड़े हैं इसलिए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये छोटे से मेरे इयररिंग्स, ये छोटे छोटे से झुमकियाँ हैं, ये मैं लाई थी करोलबाग से। हाँ करोलबाग से लाई थी मैं, ये थी 50 रुपये की, अच्छी है ना, सस्ते में अच्छा माल मिल गया मुझे। और एक ये भी झुमकिया, ये भी मैं करोलबाग से लाई थी। मैं जब करोलबाग जाती हूँ ना अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं ज़्यादातर वहाँ पे इयररिंग्स ही खरीदती हूँ, पता नहीं मुझे इयररिंग्स लेने का बड़ा शौक चढ़ा रहता है। और मैं एक लूँगी ना, मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि दो ले लो, एक का क्या करोगे, एक तो वैसे भी तुम्हारा कुछ समझ में आता है। ये देखो एक ये भी है, ये एक्चुअली मेरे सेट के साथ का है, ये मेरे इनमें आ गया है पता नहीं कैसे, है ना। और एक ये वाले इयररिंग्स हैं, ये भी मैंने कभी नहीं पहने, क्योंकि ये थोड़े ना मेरे फेस पे अच्छे नहीं लगते इसीलिए। और ये मेरी फ्रेंड ने दिए थे मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट, पैंडेड वाले हैं ये, और सबसे प्यारे, छोटे से हैं पर बड़े प्यारे हैं। ये देखो ये मुझे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से, है ना, अच्छे से प्यारे से। मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, पर एक ये सिल्वर कलर का, इसके नीचे ना वो कलर वाले वो रिबन्स नहीं होते, वो लटके हुए थे, वो मैंने निकाले, वो मुझे अच्छे नहीं लगे इसीलिए वो मैंने निकाल के फेंक दिए। ये देखो ये मेरा सारा कलेक्शन है। और भी है यार, ये देखो इतना ज़्यादा दिखाने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये देखिए इतने सारे है ये मेरे पास, मेरे पास बहुत इयररिंग्स हैं, इस डब्बे में भी भरे हुए हैं। ये देखिए इसमें थोड़े छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, वो तो मैं दिखाती रही ना तो शाम हो जाएगी मुझे। और एक तो और भी हैं बहुत है, पर ये देखिए ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, आप मत देखिए। पर ये है मेरा मेन कलेक्शन जो बड़े बड़े हैं, और मुझे इनमें से कोई भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इन सब में से पहन रखा है एक एक बारी, कुछ एक आधी बारी भी नहीं पहनी, बट कुछ तो मैंने एक आधी बारी पहने हुए हैं,
तो यार मैं फिर दोबारा दोबारा उनको कैसे पहनूँ। अब ये वाले भी जो हैं वो काले भी हो गए थोड़े तो, पर ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं किसी को दे दूँगी। मुझे ना अपने एयरिंग्स, अपने पर्स और अपनी घड़ियाँ किसी को देना पसंद नहीं है, और मेरे पास कपड़े भी बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी अपने कपड़ों का कलेक्शन। जब मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ ना, ऐसे खोलती है ना, वो सारे कपड़े मेरे चांद की पैसे पड़ते। फिर भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं यार, जब मैं कहीं जाना होता है ना मुझे, तो वो बोलते हैं, मैं बोलती हूँ ना मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो वो बोलते हैं इतने सारे कपड़े हैं उनका क्या करूँगी। चलो ओके, थैंक यू सो मच। इस ब्लॉग को पूरा देखें और बताएं मेरा कलेक्शन आपको कैसा लगा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, पर प्लीज़ देखिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाय।